आपने जो तीन चीज डाला, हाँ? सबसे पहले आपने डाला सूजी, ठीक, फिर आपने डाला ये बेसन, बेसन, हाँ? और उड़द की दाल। देखिए क्या है कि ये तो हो गया अपना मैदा, हाँ? सबसे पहले तो वो मैदा आटा ये सारा एक समान होता है, हाँ? अब आती है सूजी। सूजी इसलिए डालते हैं पानीपुरी में ताकि वो क्रंची बन सके, क्रंची बन सके, इसलिए अपन इसमें सूजी डालते हैं। और दूसरी बात बेसन, बेसन से क्या होता है कि कलर आता है उसमें पानीपुरी में, हल्का पीलापन टाइप से, जैसे वड़ा वगैरह रहता है ना वो। और ये उड़द की दाल इसको फुलाती है, हाँ, अच्छी तरीके से फुलाती है, पापड़ी कम आती है इसकी वजह से। और मीठा सोडा भी एक बहुत बड़ा रीज़न है पानीपुरी फुलाने का, लेकिन क्वांटिटी में अगर आप इसको ज़्यादा डाल दोगे तो आटे में ना हल्का सा स्मेल आ जाएगा, क्योंकि आप इसको ना खमीर करोगे, पानीपुरी काटोगे, आपको खमीर करना कंपलसरी है, ज़रूरी है, जैसे जलेबी काटोगे खमीर करते हैं ना, सेम टू सेम वैसे ही। तो इसमें अपन को मीठा सोडा ऐड करना है। जार कितने ग्राम डालना होता है? मीठा सोडा ज़्यादा नहीं डालेंगे अपन, मीठा सोडा 20 ग्राम के आसपास ऐड कर देंगे। मतलब सबसे ज़्यादा यूजर की कंपनी क्या है? इसको खींचेंगे तो आप देख सकते हैं कुछ ही सेकंडों में यहाँ पे पानीपुरी बन चुकी है। और आपको यहाँ पे थिकनेस भी ऐड कर पाओगे आप, जाएगा ये देखिए जो अपना कपड़ा होता है ना लेयर वाला वैसे ही, और इसके ऊपर फिर से कपड़ा डाल दिया जाएगा ताकि ये सूखे नहीं।